बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें बीवी का टीवी। एक ऐसा कलाकार जिसने अपने अभिनय की शुरुआत की शास्त्रीय संगीत के साथ, एक ऐसा एक्टर जो था पहले ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो प्रेजेंटर, एक ऐसा अभिनेता जिसने चरित्र अभिनेता की तस्वीर बदल दी, एक ऐसा महान कलाकार जिसने निभाए बहुत से किरदार। He is none other than veteran actor and producer Om Prakash. তুমি আনন্দ বাবু, আমি ও তুমি দুজনে একই সিক্কে গায়ে দিয়ে চলে গেলে। তুমি বড়া এই টিও টু ডিও ডুও জিও গু কেউ নেই, এসকা মতলব মে কে জানু। বস বস, मैं मर गई तो जिंदगी भर रोते रहोगे रोते। हाँ, वो दिन कब आएगा ये भी तो बता। बस 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 बस, आगे कहानी नहीं सुना, मेरे दिल को कुछ होता है। हाँ डरिए डरिए, क्लाइमेक्स सुनिए। नहीं बेटे, नहीं बेटे, मैं नहीं चाहता कि तू यती हो जाए। परवाह नहीं डरिए, आप मेरा क्लाइमेक्स सुन दीजिए। वो शाला अशोक कुमार और देवानंद बन गया हीरो, और जो उल्लू का पट्टा नटवर लाल तुम्हारे लिए बालकोनी के टिकट खरीदा, वो शाला बन गया जीरो। तुम्हारे असली हीरो तो आ नटवर लाल ही। जन्म की तारीख 19 दिसंबर, साल 1919, और जगह लाहौर। ओम प्रकाश अपने परिवार में 3 भाई और 1 बहन में से एक बच्चे थे। इनके माता पिता बहुत अमीर थे। पिताजी की लाहौर और जम्मू में बहुत सारी जायदाद थी। ओम प्रकाश जी का पूरा नाम है ओम प्रकाश छिब्बर। ओम प्रकाश जी को बचपन से ही शास्त्रीय संगीत, अभिनय, नाटकों और फिल्मों में जाने का मन करता था। इसीलिए जब ये 12 साल के हुए तब इन्होंने रुख किया भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ और इन्होंने विधिवत शिक्षा लेना शुरू किया। काफी बरसों तक ये शास्त्रीय संगीत का विधिवत शिक्षण लेते रहे। इनके गुरु थे भाई लाल, जिनसे इन्होंने संगीत सीखा और कुछ ही सालों में ये संगीत के मास्टर हो गए। पहले पैसा फिर भगवान बाबू देते जाना। संगीत के साथ ही साथ इन्हें नाटकों की तरफ भी जाने का मन करता था, इसीलिए अभिनय किया करते थे। और वो जो कला मंडली थी उसका नाम था दीवान मंदिर नाटक समाज जम्मू। उसके ये मेंबर भी थे और हमेशा उनके साथ नाटक किया करते थे। उस दौर में पुरुषों को ही महिलाओं का किरदार निभाना होता था, इसलिए नाटक में कमला नाम का किरदार ये अक्सर निभाया करते थे और रामलीला में इनका किरदार हुआ करता था सीता। संगीत और कला की शिक्षा के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी। परिवार की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं था, क्योंकि पिताजी अमीर थे इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा चाहें वैसा ओम प्रकाश कर सकते थे। संगीत और अभिनय कला के साथ साथ ये पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद ओम प्रकाश जी को पहली नौकरी मिली उस जगह पर जहां से वो अपनी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचा सकते थे, ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी। वहां पर सन 1937 में इनकी नौकरी लगी। ऑल इंडिया रेडियो में इनकी सैलरी हुआ करती थी 25 रुपए महीना। नाटक लिखना इनकी हॉबी बन चुकी थी। रेडियो में रहते हुए अपने सभी डायलॉग्स भी लिखना शुरू कर दिया ओम प्रकाश ने। इनका एक रेडियो प्रोग्राम इतना ज्यादा फेमस हुआ कि घर घर में लोग इन्हें जानने लगे, लेकिन ओम प्रकाश नाम से नहीं। इनका रेडियो पर नाम था फतेह दीन नाम से ये कार्यक्रम किया करते थे। इनके प्रोग्राम पंजाब और लाहौर में बड़े फेमस होने लगे। मशहूर होने का आलम यह था कि जब इनका प्रोग्राम आता था तो लोग रेडियो देखकर भीड़ लगा लेते थे। ओम प्रकाश जी को रेडियो से तो इश्क था ही, साथ ही एक लड़की भी इनके जीवन में आई। ओम प्रकाश एक पान की दुकान पर उस लड़की से मिलने जाया करते थे, फिर दोनों लंबी वॉक पर चले जाते थे। दोनों में प्यार होने लगा, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ओम प्रकाश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने रोमांस को सबके सामने खुलकर बता पाते।
दूसरी तरफ बात यह भी थी कि ओम प्रकाश थे हिंदू और वो लड़की एक सिख थी। लड़की के घर वाले ओम प्रकाश को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि ओम प्रकाश एक हिंदू थे। एक दिन ओम प्रकाश एक पान की दुकान पर खड़े थे। एक लेडी इनके पास आई और बोली कि मैं विधवा हूं और मेरे 4 बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 16 साल की है और उसकी शादी मैं करना चाहती हूं। क्या तुम मेरे दामाद बनना चाहोगे? क्योंकि अगर मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो बाकी की बेटियों की भी मैं शादी कर पाऊंगी। ओम प्रकाश की मां ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से ओम प्रकाश भी भावुक हो गए और अपनी मां के कहे मुताबिक उन्होंने तुरंत हां कर दी। और इन्हीं दिनों में इनकी शादी भी हुई प्रतिभा छिब्बर से। और अपनी प्रेमिका उस सिख लड़की से मिलकर उसे भी बता दिया। हालांकि उस लड़की को काफी बुरा भी लगा, लेकिन जब उनका परिवार के खिलाफ था तो वो लड़की भी क्या करती। आखिरकार वो लड़की भी ओम प्रकाश की शादी में आई थी। माँ को मालूम नहीं क्या जल्दी है कि उसने शरबती को यहाँ भेज दिया मेरे पीछे। अब लगे हाथों मेरा भी उल्लास नगर कर दी। अभी करवाता हूँ पंडित जी। ओम प्रकाश की पत्नी अमृतसर में रहती थी और ओम रहते थे लाहौर में। ऑल इंडिया रेडियो के दौरान ही इनकी मुलाकात हुई थी जाने माने फिल्म लेखक अनारकली, जिन्होंने लिखी इम्तियाज अली। उनसे इनकी मुलाकात हुई और जीवन में कुछ बदलाव की गुंजाइश पैदा हुई। तनख्वाह कम लग रही थी। इन्हें लगता था कि मुझे उन लोगों से भी कम पैसा मिल रहा है जो कि पार्ट टाइम आते हैं या फिर चपरासी हैं। लेकिन फिर भी प्रेम और भाईचारे के साथ ऑल इंडिया रेडियो से अपने आप को अलग कर लिया। ओम प्रकाश ने अपने अंकल के घर जम्मू चले गए ओम प्रकाश। आकाशवाणी को रिजाइन कर दिया ओम प्रकाश जी ने और वो फिल्मों की तरफ रुख करने के लिए चल पड़े। 23 साल की उम्र थी, साल था सन 1944 और लाहौर में एक शादी थी। ओम प्रकाश जी उस शादी में शिरकत करने पहुंचे। वहां पर जाने माने निर्माता दलसुख पंचोली भी आए हुए थे। ओम प्रकाश जी ने अपने फेमस किरदार फतेहदीन के अंदाज में बहुत सी कॉमेडी की। बहुत लोग सुनकर हंसकर लोटपोट हो गए और साथ ही साथ उनका गाना बजाना भी हुआ। ओम प्रकाश जी को देखकर दलसुख पंचोली ने ठान लिया कि इस लड़के को कोई ना कोई किरदार फिल्म में जरूर मिलना चाहिए। और ऐसा सोचकर वो निकल गए और ओम प्रकाश जी भी जम्मू चले गए। वहां पर उन्हें एक तार मिला, यानी टेलीग्राम। उस वक्त टेलीग्राम सबसे फास्ट चीज हुआ करती थी। टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था, मैं दलसुख पंचोली हूँ, एक निर्माता निर्देशक हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहते हो तो लाहौर ऑफिस में आकर मिलो। ओम प्रकाश जी के लिए वो लेटर जीवन का स्वर्णिम लेटर था। वो लाहौर के लिए रवाना हो गए। लाहौर पहुंचकर उन्होंने दलसुख पंचोली को कांटेक्ट करना चाहा और उन्होंने फोन पर कहा कि मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूं, आपने मुझे मिलने बुलाया है। पर दलसुख पंचोली ने उन्हें पहचाना नहीं और कहा, मैंने किसी ओम प्रकाश को नहीं बुलाया है, और फोन कट गया। इस बात से ओम प्रकाश बहुत मायूस हो गए और वापस जाने की तैयारी करने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि शायद मुझसे किसी ने मजाक किया है। ऐसी ही वो सोच में थे और एक पान की दुकान पर खड़े थे। वहां उनकी मुलाकात हुई लाहौर के जाने माने एक्टर और पंजाबी फिल्मों में जिनका दबदबा था, यानी प्राण साहब से इनकी मुलाकात हुई। प्राण साहब ने इन्हें देखा और देखते ही कहा, भाई तुम कौन हो? और इन्होंने कहा, मैं ओम प्रकाश हूं और मुझे दलसुख पंचोली ने बुलाया था। तब बातों बातों में प्राण साहब को अपनी आप बीती सुना दी ओम प्रकाश ने। प्राण साहब ने कहा, मैं दलसुख पंचोली को जानता हूं और वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे नाम के किरदार यानी फतेहदीन को याद कर रहे हैं। असल में तो वो किसी ओम प्रकाश को जानते ही नहीं है, तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। और ऐसा कहकर प्राण साहब चले गए और ओम प्रकाश ने रुक किया दलसुख पंचोली के ऑफिस का। जब वहां पहुंचे, इनकी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने इन्हें फिल्म ऑफर कर दी और फिल्म में भी लीड किरदार, यानी वो किरदार जो फिल्म में अहम भूमिका है। उस फिल्म का नाम था दासी। ये एक कॉमिक विलेन का रोल था और उस फिल्म के लिए इन्हें मेहनताना मिला 80 रुपए। फिल्म रिलीज हुई और फिल्म ने इतना फेम कमाया कि रातों रात
प्रसिद्धि मिल गई ओम प्रकाश को। लोग जानने लगे इन्हें कि पर्दे पर एक नया चेहरा आया है। सर तो नहीं फिर गया तेरा? इन आने का आदमी और बकवास कितनी करता है। कुर्की लाया हूँ कुर्की बाबू साहब, पैसा चुका दो वरना सामान जब्त हो जाएगा। दस दस महीने से मुँह देख रहे हैं आपका। बाबू जी कपड़े वाले का टेलीफोन आया। कह दो फुर्सत नहीं, अंधा कहीं का। पैसे दोगे या कानूनी कार्रवाई की जाए? और ये एक बड़ा रोल था। फिल्म की सफलता के बाद इन्हें एक और टेलीग्राम मिला जिस पर लिखा था कि अब तुम्हारी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश शॉक्ड हो गए। क्या करें, दिल पे चोट लगती है तो इंसान कभी बन ही जाता है। लेकिन दूसरी फिल्म थी एक साइलेंट फिल्म जिसमें इन्होंने कमाल का अभिनय किया। फिल्म का नाम था शरीफ बदमाश। कुछ महीनों के बाद एक बार में कुछ दोस्तों के साथ ये बैठे थे। लाहौर प्लाजा सिनेमा हॉल का वो बार था। वहां पर आए पंचोली स्टूडियोज के चीफ प्रोडक्शन मैनेजर राम नारायण दवे। उन्होंने ओम प्रकाश को देखा और बहुत ही आश्चर्य के साथ कहा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? ओम प्रकाश ने चौंक कर कहा, मैं गायब हो गया था? मुझे तो जनरल मैनेजर ने निकाल दिया है, ऐसा मेरे पास टेलीग्राम आया था। इस पर दवे ने कहा, भाड़ में जाए जनरल मैनेजर, कल सुबह आप ऑफिस आ जाइए। इस बार सैयद इम्तियाज अली ने उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी। फिल्म का नाम था धमकी और मेन विलेन का रोल कर लिया ओम प्रकाश ने। दलसुख पंचोली को शूटिंग के रैशेस देखने की आदत थी और हर बार वो रैशेस देखकर कहते थे, मुझे ओम प्रकाश बहुत पसंद है, वो एक कमाल का एक्टर है। दलसुख पंचोली के साथ फिर इन्होंने दासी के साथ साथ धमकी और आई बहार फिल्मों में साथ काम किया। फिर ओम प्रकाश को लगा कि उनके पैसे बढ़ने चाहिए क्योंकि फिल्म में कई लोग ऐसे थे जो कि 2000 या इससे भी ज्यादा रुपए पा रहे थे। दलसुख पंचोली के ऑफिस पहुंच गए ओम प्रकाश और वहां पहुंचकर इन्होंने दलसुख पंचोली को कहा कि सर मैं यहाँ हीन भावना से काम कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 80 रुपए महीने मिल रहे हैं। पंचोली ने दवे को बुलाया और पूछा, उनके निर्देश के मुताबिक 500 रुपए महीने की शुरुआती सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? गुस्से में उन्होंने चेक लिखा और हाथ में थमा दिया और ओम प्रकाश को कहा, ये रहा तुम्हारा मेहनताना। जैसे ही चेक को खोलकर देखा उस पर 1000 रुपए की राशि देखकर ओम प्रकाश शॉक्ड हो गए क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद 80 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर देंगे, लेकिन यहाँ तो सीधा 1000 रुपए का चेक था। ओम प्रकाश जम्मू गए और अपने पिताजी के चरणों में उन्होंने ये चेक रख दिया। पिताजी बड़े खुश हुए। इस तरह से सफलता के शिखर चढ़ते चले जा रहे थे ओम प्रकाश। लेकिन थोड़े ही दिनों में मायूसी के बादलों ने ओम प्रकाश को घेर लिया क्योंकि सन 1946 में दंगे शुरू हो गए और ये घोषणा हो गई कि लाहौर पाकिस्तान में रहेगा। बड़े भाई के बीवी बच्चों और छोटे भाई के परिवार के साथ फंस चुके थे ओम प्रकाश। लाहौर स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक मुसलमान परिवार ने इनका साथ निभाया, बचाया और रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। स्टेशन भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। लोग टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने को तैयार थे। इनके भाई पीछे ही रुक गए। इतनी सारी लेडीज और बच्चों के साथ सिर्फ अकेले पड़ गए ओम प्रकाश। लाहौर छोड़ने के दो ही रास्ते थे, पहला या तो ये जम्मू जा सकते थे और दूसरा अमृतसर जा सकते थे। इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। स्टेशन पर ही मशहूर हॉकी खिलाड़ी नूर मोहम्मद से इनकी मुलाकात हो गई। वो इन्हें लाहौर के समय से जानते थे और वो पटरियों के जरिए इन्हें लेकर पहुंचे खड़ी रेल तक और एक घंटे बाद रेलगाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। अमृतसर पहुंचकर इन्होंने बड़ी राहत की सांस ली और फिर वहां से दिल्ली और दिल्ली से वृंदावन जाकर रहने लगे ओम प्रकाश। एक बार मसूरी में एक दोस्त के यहाँ रुके ओम प्रकाश। वहां पर इन्हें टेलीग्राम मिला बीआर चोपड़ा का। इससे पहले लाहौर में बीआर चोपड़ा के साथ इनकी बात हुई थी और एक फिल्म करना तय हुआ था। बीआर चोपड़ा ने कहा था कि अब तुम बंबई आ जाओ, उस फिल्म को हम यहीं बनाएंगे। ओम प्रकाश ने मुंबई की तरफ रुख किया, उस वक्त का बॉम्बे आज का मुंबई। बॉम्बे सेंट्रल जाने के लिए कौन सी बस में जाऊँ? बॉम्बे सेंट्रल आप यहाँ से सीधे नीचे चले जाइए, वहाँ पे आपको 64 नंबर मिल जाएगी। 64 यस। थैंक यू, इट्स ऑल राइट। लेकिन ओम प्रकाश के पास तो वहाँ रहने की कोई जगह नहीं थी।
कभी एक दोस्त के पास रुकते तो कभी दूसरे दोस्त के पास रुककर समय गुजारते। क्या मैं 10-12 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ? इसी बीच बीआर चोपड़ा पंजाब चले गए और वो ये वायदा कर गए कि जल्द ही वो आएंगे। ये वक्त वो था तब ओम प्रकाश के पास पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। भूखों मरने की नौबत आ गई ओम प्रकाश की। इन्होंने बीआर चोपड़ा को खत लिखा कि पहले तो मुझे मुंबई आपने बुला लिया, फिर भूखों मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया है, क्या कोई लौटने का इरादा है भी या नहीं? बीआर चोपड़ा का जवाब ऐसा था कि अंदर तक हिल गए ओम प्रकाश। जवाब में लिखा था, अगर तुम भूखे मर रहे हो तो ये मेरी गलती नहीं, तुम एक कुत्ते की तरह एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटक रहे हो, इतने में तो तुम्हें व्यस्त हो जाना चाहिए था। और इस तरह से ओम प्रकाश का दिल टूट गया। उन्हीं दिनों जालंधर रेडियो से इन्हें ऑफर आया काम करने का, लेकिन ओम प्रकाश ने ठान लिया था कि रहूंगा तो बंबई में और मरूंगा तो बंबई में, कुछ बड़ा जरूर करके दिखाऊंगा। और ऐसे में खुशी लेकर आए खुशी राम, और खुशी राम ने ओम प्रकाश को बॉम्बे में रुकने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया। वहां से अक्सर ये अपनी पत्नी को रोज खत लिखा करते थे और कहते थे कि मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मैं बेरोजगार हो चुका हूं। इतना दर्द था कि उन्होंने अपना गुस्सा हनुमान जी पर भी निकाल दिया। हनुमान जी के बड़े भक्त थे ओम प्रकाश, लेकिन एक दिन गुस्से में भगवान को इन्होंने धमकी दे दी और कह दिया, अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं अगले ही दिन आपकी मूर्ति खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और इसी दौरान इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी खड़ा था जो बोला कि मैं बॉम्बे लैब से आया हूँ, मेरे पास महात्मा गांधी की ये दो रील हैं जिनके लिए कमेंट्री चाहिए, और आपका नाम किसी ने रिकमेंड किया है, तो आप क्या हमारे स्टूडियो चल सकते हैं? ओम प्रकाश उनके साथ स्टूडियो चले गए। वहां पर उन्होंने जब उन रील्स को देखा तो कहा कि इसकी स्क्रिप्टिंग मैं खुद करूंगा। 45 मिनट बैठकर इन्होंने खुद स्क्रिप्ट लिखी, और उस स्क्रिप्ट को जब लोगों ने सुना तो लोग भावुक हो उठे। ओम प्रकाश कमेंट्री करने के बाद खुद भी रो रहे थे और वहां मौजूद हर शख्स रो रहा था। ओम प्रकाश को इस काम के लिए बहुत अच्छे पैसे मिले, और उसके बाद ओम प्रकाश ने तुरंत टैक्सी ली और अपने घर पहुंचकर हनुमान जी के आगे जाकर माफी मांगी और कहा, भगवान तेरा कोई जवाब नहीं। बोलो बजरंग बली की, अरे आओ टीका लगाओ। कुछ ही दिनों के बाद ओम प्रकाश फिर से कंगाल हो गए, पैसे नहीं थे। तब खुशीराम और कुछ और लोगों ने मिलकर एक कमरा खरीदने का फैसला कर लिया। हर कोई 500 रुपए दे रहा था और ओम प्रकाश के पास तो पैसे नहीं थे। हर शाम ओम प्रकाश एल्फिस्टन से चर्च गेट तक ट्रेन से आया जाया करते थे। एक शाम को रामदास चंद किशोर से इनकी मुलाकात हुई। ये रामदास बचपन से ओम प्रकाश जी के बहुत करीबी दोस्त रहे थे। रामदास ने चौल में एक कमरा खरीदने के लिए पैसे उधार दे दिए ओम प्रकाश को। ओम प्रकाश के सर पर छत आ गई। और जब ओम प्रकाश बहुत ही बड़े इंसान बन गए, तब बुरे वक्त के दौर से गुजर रहे थे रामदास चंद किशोर। तब ओम प्रकाश ने इन्हें कलकत्ता से बंबई बुला लिया और कपड़े की एक बड़ी दुकान बनवा दी, और ये कहा कि तुमने जब मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ दिया तो आज मेरी बारी है। ऐसा दोस्ताना निभाया ओम प्रकाश ने। गरीबी का आलम यह था कि भूख के मारे एक दिन तो बेहाल हो गए। ऐसा हुआ कि 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था ओम प्रकाश ने, और खोदाद सर्कल पर खड़े थे ओम प्रकाश कि इन्हें चक्कर आने लगे, और इस डर से कि बेहोश होकर ना गिर जाऊं, इन्होंने एल्फिस्टन होटल में जाना मुनासिब समझा और वहां बिरयानी, चिकन मसाला, लस्सी और बहुत सी चीजें ऑर्डर कर डाली। खाना पीना हो गया, लेकिन अब बिल की बारी थी। आवाज आई, 16 रुपए बिल है आपका। ये इतनी बड़ी राशि थी कि खुद ओम प्रकाश सुनकर हैरान हो गए और मैनेजर के पास गए। मैनेजर का नाम था मिस्टर मेहरा। नेम प्लेट पढ़कर इन्होंने कहा, मिस्टर मेहरा, मैं बेरोजगार हूँ, 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैं अपने आप को और नहीं रोक पाया तो यहाँ आपके पास खाना खाने आ गया, लेकिन मैं वायदा करता हूँ जिस दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा आपके पास जरूर आऊंगा और बिल चुका दूंगा।
होटल का मैनेजर मेहरा इस बात से ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो करता भी क्या, उसने ओम प्रकाश को बिना बिल चुकाए जाने दिया। ओम प्रकाश को ये यकीन था कि वो बड़े आदमी जरूर बनेंगे। और कहने की जरूरत नहीं, किस्मत में अगर दुख लिखा हो तो भगवान सहने की शक्ति भी देते हैं। अक्सर दादर के श्री साउंड स्टूडियो में जाया करते थे ओम प्रकाश, वहां लोगों को हंसाते थे और अच्छा टाइम बीत जाता था। मार्च 1948 की बात है, डायरेक्टर जयंत देसाई ने इन्हें बुलाया और कहा कि फिल्म लखपति में विलेन का रोल है, क्या तुम करना चाहोगे? ओम प्रकाश मान गए। ओम प्रकाश को लगा चलो 250 रुपए तो मिल ही जाएंगे, लेकिन 1000 रुपए का एडवांस चेक जब देखा और 5000 रुपए महीने पर साइन करने की बात सुनी तो ओम प्रकाश बहुत खुश हो गए। ओम प्रकाश ने कहा कि मुझे आप ऐसा चेक दे दीजिए जो कि बैंक में ना लगे और मुझे कैश मिल जाए, और उस चेक को लेकर पहुंचे एल्फिस्टन के एक बैंक में और पहला काम वही किया जो इनका दिल कहता था। उस होटल में गए और जाकर उस मालिक को कहा क्या तुमने मुझे पहचाना? उस मैनेजर ने ओम प्रकाश को नहीं पहचाना, तब इन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ पर खाना खाकर गया था, 16 रुपए का बिल बकाया था और मैंने आपको कहा था कि एक दिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो आप तक वापस जरूर आऊंगा, ये लीजिए आपका बिल का पेमेंट। ये सादगी और सच्चाई थी ओम प्रकाश की। वो दिन ऐसा था जब खुशीराम को लेकर महंगे लंच पर भी गए ओम प्रकाश। खुशी का ठिकाना नहीं था, जिसने कई दिनों से एक सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाया था उस आदमी ओम प्रकाश ने 100 पैकेट सिगरेट एक साथ खरीद डाले, और ऐसे करते करते एक महीने में ही उस पूरे पैसे को खत्म कर दिया ओम प्रकाश ने। फिल्म 3 महीने के लिए आगे सरक गई और पैसा खत्म हो गया। कुछ शामों तक अपने कमरे के बाहर चटाई बिछाकर सोने लगे ओम प्रकाश, अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करते। एक शाम को जयमणि दीवान ने इन्हें बुला लिया। ये उनके स्टूडियो गए और वहाँ पंजाबी फिल्म चमन के बनने की बातें चल रही थी और वो चाहते थे कि ओम प्रकाश इस फिल्म में काम करे। वो ओम प्रकाश की फीस जानना चाहते थे। ओम प्रकाश ने कहा कि अभी हाल ही में मैंने 5000 रुपए महीने पर एक फिल्म साइन की है। ये सुनकर प्रोड्यूसर दंग रह गए और उन्होंने कहा तुम तो भूखों मर रहे थे और ऐसी रकम मांग रहे हो, हम तो तुम्हें 350 रुपए दे सकते हैं। ओम प्रकाश गुस्से में आग बबूला हो गए और बुरा भला कहकर बोले माना मैं भूखा मर रहा हूँ, पर मैंने तुमसे तो कभी नहीं मांगा कि मुझे खाना खिलाइए, मैं मुफ्त का खाने वालों में कभी नहीं रहा हूँ, मैंने आपसे काम नहीं मांगा था। फिर ऐसा कहकर उस दफ्तर से बाहर आ गए ओम प्रकाश। लेकिन प्रोड्यूसर को थोड़ी देर में समझ में आ गया कि उन्होंने गलती की है। उन्होंने ओम प्रकाश के आगे जाकर माफी मांगी और ओम प्रकाश ने उनकी ये पंजाबी फिल्म साइन कर ली। 17 रुपये राम 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 कट्ठा 250 रुपये दा कट्टा होना भाई, असानी इलाज कराना किसी और दा इलाज कर जा। हाल वाला ना हाल वाला जा 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 ओए हुण कट्टा नहीं जे खाना मर जाना। बोलो हीरा पता नहीं थानू की हो गया। ये पंजाबी फिल्म चमन बहुत ही हिट फिल्म साबित हुई और इसके बाद ओम प्रकाश ने अपने भाइयों, उनके बच्चों, उनकी पत्नियों और अपनी पत्नी को भी बम्बई बुला लिया। मुंबई ने इन्हें अपना लिया। वो फिल्में थी लाहौर, 4 दिन और रात की रानी। फिल्में साइन करते चले गए। उन्हीं दिनों इन्होंने दिलीप कुमार के साथ आजाद फिल्म में काम किया, राज कपूर के साथ सरगम, किशोर कुमार के साथ मिस मैरी, बहार, पहली झलक, आशा और मनमौजी फिल्म में काम किया, अशोक कुमार के साथ हावड़ा ब्रिज फिल्म में नजर आए और देव आनंद के साथ तेरे घर के सामने। ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें ओम प्रकाश ने अपनी अभिनय प्रतिभा से सबको चौंका कर रख दिया। पेट की दुखी पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। ऐसे ऐसे किरदार निभाए जो काबिले तारीफ रहे। मेरे दोस्त पी मैंने भी शराब है, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि ये गुनाह है, पाप है। आज से मैंने तौबा की,
अबे ठहरो ठहरो, क्या करते हो? पैसे दिए हैं, कोई धागा नहीं डाला है। अच्छा भाई लोग, अब तो चलते हैं महकते से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा लाया। भाई देखो फूल सा बदन है, जरा आराम से है। चाहे कितने ही पावरफुल एक्टर सामने हो, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, राज कपूर, अशोक कुमार, किशोर कुमार, देवानंद या फिर कोई भी कलाकार, सबको बड़ी टक्कर देते चले गए ओम प्रकाश। दिलीप कुमार साहब को तो इनसे डर भी लगने लगा, क्योंकि गोपी फिल्म में इन्होंने दिलीप कुमार के बड़े भाई का रोल ऐसा निभाया कि दिलीप कुमार खुद कहते हैं कि मेरे रोल को तो इन्होंने ढक दिया, यानी मैं इनके सामने कमतर पड़ रहा था और ओम प्रकाश ने अपनी एक्टिंग से मेरी एक्टिंग को दबा कर रख दिया। ये दिलीप कुमार साहब का बड़कपन भी माने और दूसरी तरफ ओम प्रकाश जी की एक्टिंग पावर की भी बात है। ये मैं आप दोनों की कैसी दशा देख रहा हूँ भैया। तेरी तलाश में हम भिखारी बनकर यहाँ आ गए। पार्वती, भगवान ने तेरी सुन ली, कैसे सामने आकर खड़ा हो गया है हमारा अन्नदाता बनकर। ऐसा न कहो भगवान के लिए, ऐसा न कहो, तुम तो मेरे भगवान हो भैया। नहीं गोपी, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो तेरा बिछड़ा हुआ भाई हूँ। ओम प्रकाश जी ने फिल्म निर्माण कंपनी भी खोली और सबसे पहली फिल्म इन्होंने 1957 में बनाई, जिसका नाम था गेटवे ऑफ इंडिया। ये ओम प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई थी, निर्देशन भी इन्हीं का था और निर्माण भी ओम प्रकाश का था। ओम प्रकाश जी ने जब ये फिल्म लिखी थी तो उनके दिमाग में था मधुबाला का नाम। जब फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो गई तब इन्होंने कॉन्टेक्ट किया मधुबाला के पिताजी को, अताउल्लाह खां साहब को। पहले तो वो मधुबाला के इस रोल के लिए राजी हो गए, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि फिल्म की शूटिंग रात में होनी है तब उनके पिताजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, होना तो ये चाहिए कि सुबह 6 बजे आप शूटिंग शुरू कीजिए और शाम के 6 बजे तक ये काम करेगी, उसके अलावा मधुबाला सेट पर बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। ये उनका बचपन से ही सीन था जब इनके पिताजी इसी तरीके से उन्हें नियम से फिल्मों में काम करने के लिए भेजते थे। ओम प्रकाश जी उस बात को सुनकर जमीन पर बैठ गए, जैसे मान लो कोई आघात लगा हो। जमीन पर बैठकर उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी और एक्ट्रेस को फिल्म में लेना होगा, क्योंकि फिल्म तो सिर्फ रात में ही शूट हो सकती है। ये बात सुनकर अताउल्लाह खान साहब बड़े नाराज हो गए, बुरा भला कहने लगे ओम प्रकाश जी को। मधुबाला थोड़ी दूरी पर सीढ़ियों में खड़ी थी, उन्होंने जब शोर सुना तो वो दौड़ कर आई। पिताजी को उन्होंने चुप करवाया, ओम प्रकाश जी से पूछा कि मामला क्या है। जब उन्हें मामला पता चला तब उन्होंने कहा मैं फिल्म की स्टोरी पढ़ूंगी। जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें लगा ये फिल्म तो मुझे ही करनी चाहिए और वो राजी हो गई और अपने पिता को उन्होंने मना लिया। और तो और फिल्म के प्रीमियर को भी अटेंड किया मधुबाला ने। ये फिल्म 1956 से शूट होना शुरू हुई और 1957 के शुरुआत में जाकर ये शूट खत्म हुआ और फिल्म 8 जुलाई सन 1957 को रिलीज हुई। इस फिल्म में मधुबाला के साथ भारत भूषण, प्रदीप कुमार, जॉनी वॉकर जैसे बड़े कलाकार थे। अपने से ये बंडलबाजी नहीं चलेगी क्या? आप उनका भेजा थोड़ा घूमेला है, अच्छी बंबई कामती है आप उनके नाम से मालूम? मगर चाहते क्या? अरे अपन को साफ बोलना, ये लफड़ा क्या है? बोरी बंदर से चौपाटी और कुलाबे से चर्च गेट तक अपना ही राज है क्या? तुम्हारी ये पुलिस भी आप उनको कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद 1961 में संजोग फिल्म का निर्माण किया और तीसरी इनके निर्माण में बनी फिल्म थी जहां आरा, जो 1964 में प्रदर्शित हुई, जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज कपूर के साथ शशिकला, माला सिन्हा और भारत भूषण को कास्ट किया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे विनोद कुमार, लेकिन फिल्म नहीं चल पाई। ऐसी ही कई फिल्मों का निर्माण किया ओम प्रकाश जी ने। यहां ये भी गौरतलब है कि ओम प्रकाश ही वो शख्स हैं जिन्होंने फिल्मों में गेस्ट रोल का चलन शुरू किया था और उसके बाद ये आज भी जारी है। दिलीप कुमार ने कहा ही इज ट्रेमेंडस एक्टर। ओम प्रकाश जी ने खुद को एक अलग स्टाइल दिया, बोलने का भी अलग अंदाज, डायलॉग की डिलीवरी ऐसी कि आज भी मिमिक्री आर्टिस्ट और कॉमेडियन उन्हें कॉपी किया करते हैं।
40 साल तक तकरीबन इन्होंने हर फिल्म में किरदार निभाए, अलग अलग किरदार। शायद ही ऐसा कोई चरित्र होगा जो इनसे छूटा हो, या यूं कहें कि हमारी सोसाइटी में जितने भी किरदार होते हैं वो सभी कमोबेश निभा दिए ओम प्रकाश जी ने। एक आम चेहरे में लोगों को अपना चेहरा नजर आता, वो थे ओम प्रकाश। लोगों ने अपने बच्चों का नाम भी ओम प्रकाश उस दौर में खूब रखा। हर फिल्म में बेहतरीन अभिनय ऐसा होता कि सबको कभी हंसाते नजर आते, कॉमेडियन बनते तो कभी घर के बोझ तले समस्याओं से दुखी इंसान के रोल को निभाते, कभी अकाउंटेंट बन गए तो कभी शराबी, कभी विलन, कभी पति, कभी वृद्ध आदमी, कभी नेता, कभी बड़ा भाई, जाने क्या क्या किरदार इन्होंने निभाए, लेकिन सारे के सारे यादगार। तकरीबन 307 फिल्मों में काम कर लिया ओम प्रकाश जी ने। ये जो कुछ हो रहा है हालात की मजबूरी से हो रहा है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे गलत मत समझना भैया, मुझे माफ कर। खुशी राम की मृत्यु हुई तो उनके बच्चों को भी पालन पोषण किया ओम प्रकाश ने, और खुशी राम की बेटी को अपने बेटे की बहू भी बना लिया ओम प्रकाश ने। उनकी कॉमिक रोल के लिए खास फिल्में थी हावड़ा ब्रिज, 10 लाख, प्यार किए जा, पड़ोसन, साधु और शैतान, दिल दौलत दुनिया, चुपके चुपके, नमक हलाल, गोलमाल और चमेली की शादी। और इसी तरह इन्होंने सेंटिमेंटल किरदार भी निभाए। अमिताभ के साथ तो इनकी एक खास रेपो थी, साथ में मिलकर कई फिल्मों में काम किया जिनमें शराबी और नमक हलाल को कौन भूल सकता है। जहां ये अमिताभ के दद्दू बने नजर आए नमक हलाल में, तो दूसरी तरफ शराबी फिल्म में ये मुनीम जी बने नजर आए। शराबी फिल्म में मुंशी जी की मृत्यु पर जिस तरीके से अमिताभ बच्चन फफक फफक कर रोते हैं और डायलॉग डिलीवरी करते हैं, इस इमोशनल सीन को देखकर प्रकाश मेहरा बहुत इमोशनल हो गए थे और इसीलिए इस सीन का फिर से रीटेक नहीं लिया गया। ओम प्रकाश जी ने इस फिल्म के लिए अवार्ड जीता बेस्ट परफॉर्मेंस का। किस्मत की बेरुखी में जिंदगी भर बर्दाश्त करता रहा, नमक हलाल फिल्म में पहले साइन किया गया था अशोक कुमार को उस रोल के लिए जो कि दद्दू वाला रोल था, लेकिन बाद में ये रोल ओम प्रकाश जी को दे दिया गया। तू जितना ऊंचा है ना उससे भी ऊंचा नाम कमा, ताकि दुनिया को तेरा दद्दू ये कह सके कि ये रहा मेरा पोता अर्जुन सिंह। ओम प्रकाश जी ने 50 साल से ज्यादा तक काम किया और अचानक इन्होंने फिल्में करना छोड़ दिया था। कारण ये था, एक साल में ही बड़े भाई बख्शी जंग और उनकी पत्नी प्रभा, बहनोई लाला जी और छोटे भाई पाछी सबकी मौत हो गई, और दूसरी तरफ इनके दोस्त भी एक एक कर चले गए, आगा, मुकरी, गोप, मोहन चोटी, कन्हैया लाल, मदनपुरी, केशव मुखर्जी, सब के सब इनके खास दोस्त थे जो दुनिया को छोड़कर चले गए। इनकी जिंदगी में कुछ खुशी बच नहीं रही थी। भाई के बच्चों को भी अपने साथ ही रखते थे ओम प्रकाश, और वो बच्चे भी ओम प्रकाश को बहुत खुश रखते थे, लेकिन ओम प्रकाश ने महसूस किया कि खाली बैठा रहूंगा तो ज्यादा बोर हो जाऊंगा, इसलिए एक टीवी सीरियल इन्होंने करना स्वीकार लिया। सन 1994 के बाद इन्होंने सीधा सन 2000 में एक फिल्म की थी। फिल्म का नाम था भाई नंबर 1, जो कि इनके मौत के बाद रिलीज हुई। आखिरी दिनों में बहुत ही बीमार रहने लगे थे ओम प्रकाश। वो जानते थे कि अब मेरा अंत निकट आ रहा है, लेकिन जिंदा दिली इन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी। वो अक्सर अपने दोस्तों को स्टूडियो बुला लिया करते थे। रूप तारा स्टूडियोज में इनका ऑफिस हुआ करता था, वहां पर रमी खेली जाती थी, गप्पे मारे जाते थे और मस्त मौला अंदाज में जीने के कुछ गुर सिखाते रहते थे, बातें करते थे ओम प्रकाश। लेकिन जब बीमार ज्यादा होने लगे तो मुंबई के चैम्बूर में यूनियन पार्क में जो इनका बंगला है वहां पर सिमट कर रह गए ओम प्रकाश। एक दिन इनको एक बड़ा हार्ट अटैक आ गया और इसी के चलते इनके परिवार ने इन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया।
वहां इन्हें दूसरा हार्ट अटैक भी आ गया और ओम प्रकाश कोमा में चले गए और ऐसे गए कि उस कोमा से कभी वो बाहर नहीं आ पाए। और फिर सबको हंसाने वाले, खुश रखने वाले, अपने अभिनय से और सादगी से सबको दीवाना बनाने वाले ओम प्रकाश जी 21 फरवरी सन 1998 को 78 बरस की उम्र में हम सभी को, दोस्तों को, फैंस को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन पीछे छोड़ गए सोशल ड्रामा, फैमिली ड्रामा फिल्में जिन्हें देखकर परिवार के मूल्यों को समझा जा सकता है। बीवी का टीवी सलाम करता है इस महान चरित्र अभिनेता और निर्माता ओम प्रकाश जी को। अगले एपिसोड में हम फिर एक नई बायोग्राफी के साथ आपको मिलेंगे। आप यूं ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को अगली बायोग्राफी तक के लिए। नमस्कार।